नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा शानदार और सुनहरा होने वाला है, क्योंकि हम लोग 2024 के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो बीएचयू पाठशाला के सभी विद्वान शिक्षक आज आपको आने वाले 2024 में सीयूईटी प्रिपरेशन की पूरी प्लानिंग बताने वाले हैं, जो कि आज एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग जाहिर सी बात है कि ये एक इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं अपने शिक्षकों से। आप जान पाओगे कि ये लोग क्या प्लानिंग करके इस बार बच्चों को देने वाले हैं, जिससे कि वो लोग बहुत स्मार्ट स्टडी के साथ अपना सिलेक्शन कर पाए और अपना जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवेश ले सके। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो पिछले 4-5 सालों से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि अभी 2-3 साल पहले ही ज्वाइन किए हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब ये लोग पढ़ाने आते हैं और मैं इनके वीडियोज के लिए पूरी शूटिंग पूरा प्रोसीजर जब फॉलो करता हूँ तो मैं खुद सीखता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सभी शिक्षक अपने प्रिपरेशन के साथ साथ आप जैसे छात्रों को दे रहे हैं। ये अपने आप पे बहुत गर्व का विषय है कि ये लोग कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, लेकिन अपने शिक्षण कार्य के साथ आप लोग इनसे बहुत ये भी सीख सकते हो कि अपने पूरे शैक्षणिक गतिविधियों के साथ अगर आपको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम है। जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जब बड़े चैनल्स पे आप जाते हो, लाइक बड़े चैनल मतलब जहां पे बहुत पैसे देके आपको पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास ये दिख रहे हैं फ्रेम में जो शिक्षक हैं, ये लोग पढ़ाई के साथ आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग आपको उतने ही पैसे में पढ़ाएंगे जितने से इनका पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर का पैसा निकल जाए। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा तो नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोग क्या प्लानिंग लेकर आए हैं। आप सभी का पूरे पाठशाला की टीम की तरफ से स्वागत है, पूरे व्यूवर्स का। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि कमिंग वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। हमारे सबसे बड़ी शिक्षक हैं यहाँ पे रिया मैम और तिवारी जी। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप बताइएगा तिवारी जी, क्या प्लानिंग लेकर आ रहे हैं इस बार। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते न कार्याणि मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। अर्थात केवल मनोरथ से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, आप सभी को उसके लिए कुछ ना कुछ उद्यम करना है, कार्य करना है, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप मृग प्रवेश नहीं करता है, सिंह को भी उद्यम करना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोग भी उद्यम कीजिए, कहीं ना कहीं आइए, कहीं ना कहीं जाइए, कुछ ना कुछ पढ़िए, सीखिए, कहीं ना कहीं से लीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी हमारे जो भी छात्र हैं, जो भी देख रहे हैं, सहपाठी हैं, छात्र हैं, जो देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और बीएचयू पाठशाला आपके लिए एमए संस्कृत का कोर्स लेकर के आया है, और एमए संस्कृत मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हूं अभिषेक तिवारी। और बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सरलतम भाव से जो भी एमए संस्कृत का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। सीबीटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुरूप आपकी तैयारी यहाँ पर विगत वर्षों से चल रही है। आप सभी लोग शीघ्र अति शीघ्र करते हुए इस पाठशाला को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा, ऊर्जा और गति प्रदान करें, ताकि आप सभी लोग अपने अपने जो मन चाहे यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, उसमें दाखिला पा सकें, ठीक है। और रही बात की जो सिलेबस है हम लोग का, उसमें हम क्या क्या आपको दे रहे हैं, तो उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको वीडियो उपलब्ध होंगे, आपका डाउट सेशन होगा, क्लियर किया जाएगा जो आपका डाउट होगा। इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां की जाएंगी। आप सभी लोग शीघ्र अति शीघ्र क्लास को ज्वाइन करें, और एक बार फिर से आप सभी का बीएचयू पाठशाला की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि रिया मैम थोड़ा सा प्लानिंग अपना ही बताइएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, सीयूईटी बीएचयू पाठशाला के थ्रू हम लोग, मेरा कोर्स जो है, मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रही हूँ, एमए हिस्ट्री का कोर्स है पीजी का। तो इस कोर्स के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के जो भी बच्चे जो कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, या जो अपनी पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज थे कि सीयूईटी या किसी विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेने के लिए हमें क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, तो उनकी ये तैयारी हम लोगों ने साकार की है। और सीयूईटी पाठशाला का जो सिलेबस है, जो यूजी सीयूईटी का सिलेबस है, उसको हम लोगों ने पाठशाला के थ्रू कंप्लीट कराया है। बहुत सारे बच्चों का चयन भी हुआ है, जेएनयू में हुआ है, डीयू में हुआ है, हमारे यहाँ बीएचयू विश्वविद्यालय में हुआ है। तो हम चाहेंगे जो भी बच्चे अपने प्रिपरेशन के लिए इस चैनल के माध्यम से कोर्स खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उनकी तैयारी और अच्छे से सफल और सुगम बनाए, इसी के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिया मैम का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट रिया मैम के ही कोर्स में इस साल आने लगा है,
बाकी शिक्षक तो अभी स्टार्ट ही करने जा रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है रिया मैम के लिए भी। और फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की मैम है दीक्षा मैम, क्या प्लानिंग है मैम आपका? मैं हूँ दीक्षा, बीए सोशल साइंस के लिए। इस बार जितने भी हम लोग की तरफ से कोर्स लॉन्च हुआ है बीए का, पॉलिटिकल साइंस मैं देखूंगी। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जितने भी डाउट होंगे आप लोगों के डाउट सॉल्व किया जाएगा। और रोज सैटरडे संडे को आप लोगों को करेंट अफेयर्स भी देखा जाएगा, आप लोगों को वीकली करेंट अफेयर भी मिलेगा। और आप लोग जल्दी बीए जो पाठशाला के कोर्स को लीजिए और अपनी कम समय में तैयारी कीजिए। थैंक यू, बहुत 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 स्वागत थे आपका। और इस बार हम लोग पहली बार बीकॉम का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं निकिता मैम के साथ। बड़ा अच्छा अभी एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग में ही, मैम बड़ा ही जो है एनर्जेटिक नजर आ रही है और पूरे कोर्स को लेके कि हाँ 2 महीने में कंप्लीट कराना। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्लानिंग है आपका? थैंक यू सर। वेल, ये जैसे कि सर ने बताया हम पहली बार इस चैनल पे बीकॉम का कोर्स लेकर आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि बच्चे जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू करें। और पहली बार है मेरा, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे सपोर्ट भी करे। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और माफी चाहूंगा, हमारे बीच में एक और वरिष्ठ शिक्षक हैं पाठशाला के और मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, मेरे बाजू में ही खड़े थे। तो मानस जी जो है इनकी खास खूबी ये है कि अभी तो खैर जितने लोग हैं आगे दिख रहे हैं जिनको मैं बताया कि हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं बीएचयू से ही पीएचडी करने वाले हैं, आने वाले मुझे मुश्किल से 3-4 महीनों में नजर आएंगे। तो अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को इस बात के लिए। तो मानस जी क्या प्लानिंग है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया बीएचयू पाठशाला का, आपका, नीर सर का और सभी साथियों का। चूंकि इस बार से जो सीयूईटी का जो पैटर्न पिछले 2 सालों से बदला हुआ है, उसमें हमने देखा है कि जो करंट अफेयर्स जो पेपर फर्स्ट में भी आ रहे हैं तो उन सब की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। जो हमारा बैच है निराला बैच, उसमें भी लगभग हिंदी के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे बच्चे जो कि किसी गांव के डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी हिंदी, एमए हिंदी के लिए, तो वहां तक सीयूईटी पाठशाला की टीम ये पहुंच पाई है, ये चैनल पहुंच पाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है चैनल के माध्यम से हम लोगों के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा बीएचयू पाठशाला टीम का। और इस बार एमए हिंदी में पीजी में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, इवन जो प्रैक्टिस सेट है, सेशंस हैं, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और कहीं कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बहुत सारी रुकावटें आती हैं आपके उपलब्धि के बीच में, तो साहिल लुधियानवी जी का एक शेर है कि 1000 बर्क उठे, 1,00,000 आंधियां गिरे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप खिल के रहेंगे चाहे जैसे भी हो। और इसके लिए आप सभी ज्वाइन कीजिए बीएचयू पाठशाला को। और मैं मानस सर आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और बीएचयू पीएचडी के लिए अभी एनरोल्ड किया है, तो देखिए क्या होता है, रियल आएगा के लिए हो ही जाएगा। अच्छा, चैनल के बहुत ही चहेते हैं हमारे बीच में आर्यन सर, जो कि अपने साइंस फैकल्टी को अकेले देख रहे हैं। और इनके एक भाई साहब भी हैं, आज अनुपस्थित हैं कुछ कारण से, शायद उनका एग्जाम चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आर्यन सर बताइए क्या प्लानिंग है आपका? थैंक यू सर। माई सेल्फ आर्यन तिवारी, मैं साइंस फैकल्टी हैंडल कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको इनरोल करें इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इनकम के वजह से, प्राइसेस हाई की वजह से कोर्स में इनरोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो प्राइस है ना बहुत ही कम है, जिसमें आप आराम से इनरोल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसमें आपको डीपीपी नोट्स सारी चीजें मिलेंगे। और कुछ लाइना मैं बोलना चाहूंगा, मोटिवेशन लाइन, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है जबी मर मुट्ठी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो उसके लिए हमने अपना बैच लॉन्च किया है और आप उसे ज्वाइन कीजिए और फिर हमने सारा आसमान अभी बाकी है जैसा मैंने बोला, तो उसके लिए हमारा उड़ान बैच है, तो हम लोग तैयारी करेंगे। एक और लाइन में बोलना चाहूंगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, आसमान उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। तो उसके लिए हमने उड़ान बैच भी लॉन्च किया है और आप उसे ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। आपके तो शायरी जो है आपके बैच से मैच कर गए, बहुत बढ़िया। तो ये एक पूरा हम लोग का इंट्रोडक्शन रहा पाठशाला फैमिली के साथ। बहुत सारे शिक्षक जो है वो उसमें अनुपस्थित रहे। आइए त्वरित आइए। तो कुछ शिक्षक हमारे अनुपस्थित भी रहे। मैं चाहूंगा कि समय के साथ हम लोग उनके साथ भी परिचय करें और आप लोग जो अपना पूरा पढ़ाई है वो बेहतर कर सको। त्वरित कुछ बोलना चाहें तो सबसे पहले तो
हम सभी जो पाठशाला के मेंबर हैं हम सभी की तरफ से और जो भी हमारे छात्र देख रहे हैं उन सभी की तरफ से बीएचयू पाठशाला के जो ऑनर है हम लोग के गुरुजी आपका बहुत हृदय से आपका आभार और धन्यवाद कि आप जो दूर दराज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं। आपका ये जो कार्य एक मील का पत्थर साबित होगा और इसी तरीके से आप कार्यक्रम को चालू करते रहें और जो भी गरीब से गरीब बच्चा है आप लोग ये भी जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि जो आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की ठीक नहीं रहती है वो यहाँ पर फ्री में भी बीएचयू पाठशाला लगातार उनकी सेवा और उनकी सहायता दोनों में तत्पर रहे। इसी के साथ हम लोग पुनः एक बार गुरु जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तिवारी जी और बाकी पाठशाला के पूरे शिक्षकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं तिवारी जी, रिया मैम और मानस जी, निकिता मैम, बाकी आरएन वगैरह का अगर मैं परिचय देने लगूं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं खुद सीखता रहता हूं इन लोग से बहुत कुछ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बैठे बैठे बहुत सारे विषय का ज्ञाता होने वाला हूं तिवारी जी, समझ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जल्दी जल्दी कोर्स ज्वाइन करिए और अपना 2024 जो है वो जो भी ड्रीम है उसको पूरा करिए, जो भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो उसको पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव।